долго показывает. ये पूरा प्रकरण थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रयाग स्टेशन के पास हजार की संख्या में छात्र उपद्रव कर रहे हैं और रेलवे ट्रैक पे आकर के उसको जाम कर दिए हैं, और इसमें से कुछ लोग रेलवे में तोड़फोड़ कर सकते हैं और रेलवे इंजन में आग लगा सकते हैं। इस गंभीर सूचना पे पर्याप्त पुलिस बल दंगा निरोधक उपकरणों के साथ पूरी तैयारी के साथ प्रयाग स्टेशन पहुँचा था और काफ़ी हिकमत अमली से कार्रवाई करते हुए छात्रों को वहां से भगा दिया गया था। इन उपद्रवी छात्रों में से तमाम ने पुलिस के ऊपर पथराव किया था और पथराव करते हुए ये आसपास के जो लॉज थे जिसमें ये रहते हैं उनमें जाकर छुप रहे थे, उसके बाद निकल कर आते फिर से पथराव करते थे। इस मामले में पुलिस उनके लॉज में जाकर के उनको बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने अनावश्यक बल भी प्रयोग किया, ऐसा वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। एक तरफ जो उपद्रवी छात्र हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, दूसरी तरफ जिन पुलिसकर्मियों ने अनावश्यक बल का प्रयोग किया है उसको भी काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है और विभागीय कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाएगा, उनकी पहचान की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी है उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो छात्र हो या पुलिसकर्मी हो, किसी भी सूरत में अराजकता और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।